और इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। रत्नेश्वर सदा को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। इस वक्त बड़ी और अहम खबर स्क्रीन पर आपके सामने, जहां 16 जून को पटना में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। रत्नेश्वर सदा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि रत्नेश्वर सदा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। रत्नेश्वर सदा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सुबह 10:30 बजे या शपथ ग्रहण होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। अशोक जी, 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, तारीख तय कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि रत्नेश्वर सदा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अशोक जी, बिल्कुल देखिए करिश्मा, जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय ले लिया है और 16 जून यानी कि परसों 10:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राजभवन के दरबार हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित है। सबसे बड़ी बात है कि संतोष कुमार सुमन यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे के मंत्रिमंडल से बाहर आने के बाद हम कोटे की एक सीट खाली हो गई है। दूसरी बात है कि पहले से भी आरजेडी के मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया गया, तो वो इसी परिस्थिति में आरजेडी को शपथ दिलाई जानी है। फिर कांग्रेस ने भी मांग की है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों को नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि रत्नेश्वर सदा जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से आते हैं, तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की ज्यादा संभावना बढ़ती हुई है, क्योंकि तो वो जीतन राम मांझी जो सामाजिक उनका जो क्षेत्र है उसी से आते हैं, यानी कि वो मुसहर जाति से ही आ रहे हैं। तो इसी स्थिति में को देखते हुए रत्नेश्वर सदा की मंत्रिमंडल में भागीदारी सुनिश्चित मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं, उसमें वो चाहते हैं कि 23 जून से पहले अगर जीतन मांझी को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो उस विवाद से निजात मिल जाए। और यही वजह है कि कल देर शाम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन कुमार चौधरी और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई, उससे ये संकेत मिल गया था कि जो घटक दलों की मांग है मंत्रिमंडल में भागीदारी, उसको भी सुनिश्चित किया जाए और संतोष कुमार सुमन की जगह पे रत्नेश्वर सदा को भी भरा जाए। इसी पर ये कह सकते हैं कि अब जानकारी मिली है। हालांकि राजभवन के सूत्रों ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस जानकारी देने से इनकार किया है, लेकिन इतना तय है, जो संकेत मिले हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके मुताबिक 16 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है 16 जून को। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम बातचीत के लिए।